बीती रात से हो रही तेज बारिश ने प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में मचाई तबाही। क्षेत्र की नदी नाले उफान पर, निकुवाड़ा गांव से गुजरने वाले नाले का भारी मात्रा में पानी चार घरों में घुसा। चारों घरों में रखा हुआ सारा सामान हुआ खराब। सरसा नदी को पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्राली नदी में बुरी तरह से फंस गई। स्थानीय लोगों व प्रशासन पुलिस की ओर से ट्रैक्टर ट्राली में सवार दो लोगों को रेस्क्यू किया गया और दोनों लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि नालागढ़ के निकुवाड़ा गांव से गुजरने वाले एक नाले में बारिश का पानी भारी मात्रा में आ गया, जिसके कारण नाले का एक हिस्सा टूटने के कारण नाले में आ रहा बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके कारण गांव के चार घरों में रखा हुआ सारा सामान, यहां तक कि खाने पीने की चीजें बारिश के पानी की वजह से खराब हो गई और चारों घरों में बारिश का पानी के कारण कीचड़ ही कीचड़ व मलबा लोगों के घरों में घुसा हुआ है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस बारिश के पानी की वजह से लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ और लोगों ने सरकार व प्रशासन से जहां उचित मुआवजे की मांग की है, वहीं लोगों ने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि पर भी गंभीर आरोप जड़े और कहा कि कई सालों से गांव से गुजरने वाले नाले में सही ढंग से डंगा नहीं लगाए गए, जिसके कारण कई सालों से लगातार बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसता आ रहा है और उनको आर्थिक तौर पर भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि करप्शन की वजह से पंचायत के प्रधानों द्वारा आज तक उनके घर के साथ लगते नाले में डंगे सही ढंग से नहीं लगाए गए और इसको लेकर खूब करप्शन बाजी भी हो रही। अब पीड़ित परिवारों ने सरकार व प्रशासन से हुए नुकसान को लेकर उचित मुआवजे की मांग की है। तीन बार आ गया जी पानी, तीसरी बार है, पहले भी प्रधान यही थे ना, इन्होंने पहले तो गल है जी डंगा गलत लगाया, पहले डंगे की इंक्वायरी करी कि डंगा इस साइड से क्यों छोड़ा, इस साइड से क्यों छोड़ा, है ना। पहले सबसे पहले हमारे को और कोई प्रॉब्लम डंगा वो लगाए ना लगाए, पहले ये करे कि डंगा क्यों गलत लगा, ऊपर से क्यों ऊपर इतना चकते, यहाँ से क्यों चके, बीच से क्यों छोड़ा है आले दाले, कि पानी आए हमारे घर में तीसरी बार आ गए और बोलते कि तुम खुद करो, पैसे ले लो और काम करो, हमने करना काम कोई ना। प्रधान ने बोल दी कि अपने हाथ पैर हिलाओ, अज आई दो मिनट और बोल दी कि अपने हाथ पैर हिलाओ, बोल दी हमने तो पैसे दे के वोटा खरीदी है, प्रधान बोल दी, प्रधान बोल दी ऐसे किया, हाँ जी हम तो पैसे दे के वोटा खरीदी है, उन्होंने पूछो कि इन्होंने लिते पैसे, उनका काम है देखना से। आप कहते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए जी, बस नहीं आपको परेशानी क्या है, परेशानी जी साढ़े सारे तीन साल हो गए पानी निकाल दे ना, और सारा पिंड मतलब बेचारे हुई सफाई कर दे साढ़े, हूँ देखो खाने भी कोई है नहीं, घर बीच दाने नहीं, आटा भी सब कुछ खराब हो गया, बेड किया, फ्रिज किया, मशीन किया, हर एक चीज, और मुर्गियां रखी हुई, भैंस रखी हुई, चारा जो भी है सब खत्म हो गया। डंगा लगाया जी उन्होंने, पर लगाया मतलब उसका कोई वो नहीं है, जिस साइड लगाना था उस साइड लगाया नहीं, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, भगवान जाने, पर ये इंक्वायरी करो कि डंगा क्यों गलत लगा, हमारे को नहीं पता पानी चल आए ना आए, हमारे वो हमारे को प्रॉपर हमारा डंगा दे इंक्वायरी करे, प्रधान को प्रधान पूछो है ना जी, भी 4 लाख रुपये उन्होंने कहाँ लगाया, कहाँ और क्यों छोड़ा, इस साइड से भी क्यों छोड़ा, और पहले तो उस टाइम था बब्बू प्रधान, अब उसकी घर वाली है, अच्छा। पहले लगाया था तो बब्बू प्रधान था और उसकी घर वाली थी, पैसे ले लो लगाओ है ना, मजदूर ले आओ और लगाओ, अच्छा। हमने थोड़े ना लगाना है, नहीं लगाया 6 महीने हो गए बोल दे, छोटे प्रधान को भी बोला और बड़े प्रधान को, अच्छा, कोई नहीं आ रहा, होगी जी आज कोई आया आपके यहाँ पे, अब हम गए उनके घर, उन्होंने फोन उठाए नहीं कुछ नहीं किया, फिर हम उनके घर गए और फिर वो बोलते कि आप तो मुझे मार दोगे, हम पागल है वेगू पे हम मारने, और पूछो उनको की जी है ना, पहले तो डंगे के बारे पूछो, बाकी प्रॉब्लम सानू पानी चलो अभी कर लूंगे, पर उन्होंने पूछे डंगा क्यों गलत लगे, ये करो उनकी इंक्वायरी करो, डंगे क्यों लगा गलत, डंगे पैसा कहाँ गया और कहा और क्यों छोड़ा है, इस साइड से डंगे इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, नुकसान मेरा कोई ना हो, डंगा ठीक लगाना चाहिए हमारा, बस 4 लाख पर 4.5 लाख पहले आया, उन्होंने नहीं लगाया पैसा, मैं जेई को मैंने बोला जाके, जेई को मैंने बोला, प्रधान को मैंने बोला, सेक्रेटरी को मैंने बोला जाके,
पहले कहते हम लगा देंगे करते रहे हम, उन्होंने किसी ने काम में हमारी सुनी नहीं है, किसी ने कोई नहीं आया इस टाइम पर। देखो आप प्रधान आई, प्रधान भी को उल्टा जवाब दे दिया हमारे को। उसके बाद गए तो कहती मैं जा सकती जाती, हम किसको सुनाए मैडम, दुखड़ा कर जाके उप प्रधान के पास गए, वो नहीं आया। उसके घर में हमारे उल्टा जवाब मिला हमारे को, इसलिए हम बहुत दुखी हो गए। हम चाहते प्रशासन से भी हमारा जो है काम ढंगे का शुरू होना चाहिए और ठीक होना चाहिए। इतनी बार पैसा आया, कोई पैसे नहीं हमारे डंगे करने के लिए आके लिया है, और अपना लगता रहा पैसा डंगा अंदर सड़क पानी करा गया हमारे। देखो रात में बरखा हो सकती है, कभी भी हो सकती है, जब भी बरसात आती है इतनी हमारे को रात को आती जाते भी हमारा कुछ करो भी, कुछ होना चाहिए हमारा डंगे का होना चाहिए, या अधिकारी खुद आप मौका देखे आगे, कोई आ नहीं रहा हमारे पास। हूँ तो तुम नहीं देख सकते, सवेर में देख लियो जाके भी कितनी तंग पुली है भी, जिस दे विच ते ये पानी निकल रहा है, और ये जानबूझ के किया गया मैनू लग रहा है भी, जिस तरह की इन्होंने जानबूझ के इन्हों या कोई जिद है या कुछ है, कुछ इस तरह हो सकता है भी। और प्रधान जी साढ़े पा आके हुए जब सब कुछ हो चुके हैं, उसके बाद इन्होंने घर में देख के गए हैं, पटवारी जी आए हैं, जो भी आए हैं, सिर्फ आश्वासन ही देकर गए झूठे, और उसके बाद में जब आए तो प्रधान जी उरे आके कमिटमेंट करके गए कि थोड़ा पैसा आया वा है असी लगाना है, वो पांच या छे महीने पहले का। मैं ये पूछना चाहता कि प्रधान जी जब आया वा पैसा तो तुम बरसातों का वेट कर रहे थे या इन्हों का वेट कर रहे थे भी इन्होंने घर में पानी बढ़े तो उसते फिर असी लगाऊंगे, तो हूँ मैं बोल रहे कि ऑन द स्पॉट असी मॉर्निंग में कम लगा दूंगे, ये इससे संतुष्ट नहीं है जी। मैं तो प्रधान से ही संतुष्ट नहीं अपने। चांदी यही है जी, इन्हें मसले का हल होना चाहिए जी, जल्दी तो जल्दी हो जाए। मैं कहता नैक्सट बारिश का असं वेट ना करिए है, ताकि अजे मैं तो उन्होंने अज भी यही चीज़ बोली है कि सवेर में आके तुम अपना पानी यदा मतलब पानी रोकने का हल करो, चाहे मॉर्निंग में लेबर असं खुद लग जूंगे होर नाल, अगर जो पंचायत नहीं कर सकती तो सानू असी लेबर का कम खुद करके नाल लग जूंगे। पैसा मंजूर तो उन्होंने होया भाई है जी, बस उन्होंने पैसा अपने को रखना, लगा नहीं है कितने पंचायत में, बस रखा वा अपने को। लापरवाही मानते हैं बहुत ज्यादा, छोटी लापरवाही नहीं है जी, कुछ मिसहैपनिंग होगी इन्हों के बच्चे का जान माल का कुछ नुकसान हो गया इस बीच में, तो इस बीच में जिम्मेवार कौन है जी? अगर जान माल का इन्हों का नुकसान हो जाता है तो इस बीच में दोनों ही प्रधान अपनी पूरी पंचायत ही इस बीच में इन्वॉल्व है जी, मैं तो उन्होंने पर ही सारा दोष दूंगा। फिर असी गए है ना, उल्टा सानू लग गए बोलन आ पैसे चको अपने कर लो जो तुम कराना, ये पंच प्रधान बोलने की हो है जी, जो पंच प्रधान ये बोलोगे तो होर पब्लिक क्या करूंगी, और राजनीति करने नूं बथेरे डंगे पर बैठ के राजनीति करके चल जाते जी, ना कोई डंगा सीधा कराते। दो तीन बार बोलते जी इतने पानी चढ़ता उपर इन ठीक करवा दो है ना, उन्होंने बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करी, सानू सीधा बोल देंगे आ पैसे पकड़ो तुम अपनी लियाओ मजदूर लियाओ तो लगा लो, तो असं पंच प्रधान बनाए वेगी वास्ते जब उन्होंने कोई काम नहीं करना, ना कोई देख आता जी, उन्होंने कह भी दिता भी आके देख लो एक बार कि किदा डंगा लग्या वा इन ठीक करवा दो है ना, कोई आई गई नहीं देंदे नहीं है जी, आंदे जी गड्डियां मानते अपने चुप करके निकल जाते देख दूख के, कम से कम उन्होंने देखना तो चाहिए आके एक बार समझा के जी, दो बार जाए हूं तो असि तो कुछ तो एक्शन लेना ही है जी, हूं जो पुलिस वगैरह नु बोलते तो किसी बोलते तो सू उल्टिया धमकिया देंगे कि हाँ अज भी इन्हों थोड़े दिन पहले बोल के हटे की ठीक कर दो है ना, कहते ये ले जो जी पैसे ले लो कर लो तुम अपने आप, अज साडे सवेर पानी सारे अंदर कमरे में चल गया जी, तुम खुद देख लो चाहे अंदर सारे कमरे में पानी बिच है, हुआ कैसे ही के दिक्कत पूरा डंगा जी पूरा डंगा सही नहीं जी लगा, डंगा सही नहीं पूरा पेंट वाके लगाता वा जी, जिद्दे ही पानी उपर दे आंदा वो सीधा अंदर कमरे विच आंदा जी पानी, वो पूरे अंदर सारे कमरे खराब हो गए जी, पहले भी आए जी पानी तीन बार आ गया जी पानी, तो आपने इनकी शिकायत सरकार पहले भी कह रही थी, इन्हों समझाया था कि साढ़े और डंगा लगा दो जी है ना, ये बोलते कोई नहीं असं लगा दूंगे सरकार पैसे दे आ गए भी है थोड़े दिन में लगा दूंगी, इन्होंने थोड़ा डंगा लगाया जिस साइड से जरूरत ही लगाने की उस साइड इन्होंने लगाया नहीं है, दूसरी साइड से लगा के करता जी खड़ा, और पुली भी पूरी टाइट करके रखती, इन्होंने बोले की पुली खुली करके बना दो ताकि पानी सप्लाई जाती रहे अगे, और नहीं इन्होंने आई गई दी नहीं है नी जी, क्या बोला उन्होंने और छोटा प्रधान मुकेश प्रधान है जी, और अपनी घर वालियां नु जी अग्गे कर दंदे फिर सानू धमकिया दिंदे उल्टियां, हां कि उन्हां दी धीमियां बोलदियां वी हां सानू तां गाला कढ़दे जी दारू पी के लड़दे साडे नाल, अज जिन्ने भी मैंबर आ रहे सारे ने जिन्ना भी मेडिकल करा के देख लो अगर इक ने भी दारू पीती भी होंगी ना विच ते है ना, सानू सीधा बोलदे जी आ पैसे दित्ते असीं तां पैसे दित्ते वे तां वोटां लिते वे, दस्सो ना जी किस बंदे ने पैसे लिते वे उन्हां ते, इह क्या प्रधान दा मतलब है जे तुसीं पैसे दित्ते तां अगले ने दित्ते जी, किस प्रधान ने बोले? इह मुकेश प्रधान दी ओह है जी वर्डिंग बोलण दी उन्हां दे घर दे दी, प्रधान कौन है? मुकेश प्रधान है जी उन्हां दे छोटा प्रधान है नहीं थे जी उन्होंने घर उनकी पत्नी थी और मम्मी डैडी थी, आप क्या चाहते हैं? असि चाहते कि साडी डंगा ठीक ढंग ते लग जाए, पुली का रास्ता जिदा है पूरा खुला करे उन्हें ताकि पानी चार घर है चार आ जाते पानी जी पूरी है, देखो पूरे अंदर खाने पीने वास्ते कुछ नहीं बचे साडे कोल है ना,
हूं भी सानू लोग छड़ के गए वे जी रोटी पकाने खाने वास्ते। तुसी खुद देख लो फोटो देख लो खिंच के, कोई ऐसी जगह नहीं बची जिथे पानी नहीं है नी। इस टाइम दो तीन बार कर ली जी 111 ते असी कर ली, इन्होंने सानू उल्टी धमकियां दी कि तुसी अगर कंप्लेंट अज भी करी जी, अज 111 ते भी करी असी। आया कोई प्रशासन का? कोई नहीं आया जी जद तक, हूं आए जाके जब सारा कुछ ठीक हो गया। जब हाँ जी प्रधान जी आप यहाँ आयो, आपने ना लोगों को क्या सिफारिशें दे दी? हम देंगे, हम इसका हल करेंगे, जो भी नुकसान हुआ है हमें हमारी नज़र में है सब कुछ, हम इसका हल करके देंगे। इनको पैसे आए हुए हैं, हम जो भी है काम आगे हम लगाएंगे। बारिश करके थोड़ा सा रुके थे, अब पैसे आए हुए हम काम लगाएंगे इनका, तो हम हल करेंगे। पहले भी किया था, इनको पता है सबको, सब कुछ पहले भी दंगा लगा लग चुका है, जो रहता है वो पैसे आए हुए हम लगा देंगे। मैं अकेली थी घर में, प्रधान जी को इन्होंने फोन किया, मेरे को नहीं, मेरे पास आए, इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी, मुर्दाबाद के नारे लगाए मेरे घर में आके, मेरे साथ बहुत बदसलूकी बोले है सारा पिंड। ऐसे बात होती है प्रधान से? हमें नहीं दिखता कि नुकसान है, इन बेचारों का नुकसान हमें भी तो दिखता है। नहीं, आज से दो साल पहले भी ऐसे ही जैसे फ्लड डब्बा आया, फ्लड आया था, पहले डंगा लगाया था, पहले डंगा भी लगाया हुआ भी है। तो फिर आप नहीं, आप लोगों ने फिर जब आप आते तो आपने क्या बोला इनको? हमने कुछ नहीं बोला, इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, ठीक है, इन्होंने हमारे मुर्दाबाद के नारे लगाए इन्होंने हमारे, कि पंचायत प्रधान मुर्दाबाद, ठीक है, बदतमीजी से बात की इन्होंने हमारे साथ। मैंने पहले इनको कहा कि पैसे आए हुए हम काम करेंगे, मौका भी देख लेते हैं जाके, जब ये हमारे साथ घर में जाके ऐसे बदसलूकी करते हैं, मेरे को तो ये पानी में डाल देते यहाँ, अगर मैं तभी इनके साथ या पहले अकेली आ जाती मैं कोई गलती होगी, मैं बोले मेरे गलती होगी, बनाया जी थोड़ा आसान सारी उम्र आसान हो गया, तू मां दी गड़ला भैन दी यार, जे हुण तुसी कह दोगे ओ चल चल काम कर कहंदी ऐसा पैसे दे के वोटर ओ चल चाची ना कह तां तैं भी सुन ली, कोई गल नहीं चाची भी दे दे चल यार, कहंदा पुत कहंदा गुनाह काटया दा अपने पुत्र प्रधान बना के, प्रधान नहीं बना के ओ तो जे मैं 30,000 ले ली कहंदा फेर मेरे को बंदे भी लाके कह खबर डर के नहीं आए, मैं तो बाहर ऐसा एक भुलेखा कोई भी कड़ ले, अस डर के नहीं आए, असि तो वैसे आए, ठीक है, अपने टब्बर करी करके, ठीक है।